नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर शाहजहांपुर से है। अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर के नेतृत्व में गौ माता की रक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवारा पशु व गौ माता के लिए गौशालों के पुख्ता इंतजाम करो। अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने नाराजगी जताते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर खेड़नी बाग से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अजय ठाकुर ने कहा, तत्काल गौ माता के लिए क्षेत्र में गौशाला की व्यवस्था की जाए। न्याय न मिलने पर अगला कदम भूख हड़ताल का होगा। सभी पदाधिकारी जोरदार धरना प्रदर्शन करने पर बेबस होंगे। सरकार ने छोटा पशु गायों के लिए नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण एवं रखरखाव की अच्छी व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आधुनिक गौशालाओं का निर्माण कराया गया, फिर भी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा पशु सड़क पर कूड़ा पन्नी खाते भारी मात्रा में मिल जाएंगे। इनको प्रशासन द्वारा गौशालाओं में क्यों नहीं भेजा जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा पशु रात में हाईवे सड़क पर झुंड बनाकर बैठे मिल जाएंगे, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। लोग चोटिल हो रहे हैं, कई लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु तक हो गई है, फिर भी प्रशासन जाग नहीं रहा। हमारे स्वच्छ सभी छवि की सरकार की छवि धूमिल कर रहा है। सरकार भारी मात्रा में गौशालाओं पर धन खर्च कर रही है और फिर अवस्थाएं सरकार द्वारा आदेशित किया गया कि गाय की मृत्यु उपरांत उनको गद्दा खुदवाकर मिट्टी में दबाया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। गायों की मृत्यु उपरांत सड़क किनारे अथवा खेतों के किनारे पड़ी मिल जाएंगी। इस कारण कुत्ते उनके शरीर को क्षत विक्षत करते हैं, सड़क पर दुर्गंध फैलती है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।